हाँ विनोद सर फ्रॉम एस एम पब्लिक स्कूल तेजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चल रहा था सबसेट, सबसेट के अंतर्गत एक हम पढ़ते हैं घात समुच्चय, जिसे बोलते हैं पावर सेट। ये पावर सेट क्या है? किसी समुच्चय का पावर सेट जो होता है या किसी समुच्चय का जो घात समुच्चय होता है वह दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह है। यानी किसी दिए गए समुच्चय के जितने उप समुच्चय बन सकते हैं, समस्त किसी दिए हुए समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का जो समूह है या संग्रह है, समुच्चय है, उसी को हम पावर सेट या घात समुच्चय कहते हैं। जैसे सपोज करो कि एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव है 1, 2। अब इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? इसके जितने पॉसिबल समुच्चय हैं, जितने संभव समुच्चय हैं, उनका जो संग्रह होगा, उनका जो समुच्चय होगा, उसे ही हम कहते हैं घात समुच्चय। जैसे अब इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? एक आप जानते हैं फाई सबका होता है, फाई जो है सबसेट ऑफ ए, फाई सबका उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय फाई होता है। अब हम अगर सिंगल सिंगल अवयव लेकर के बनाए तो वन एक समुच्चय है जिसका जिसमें केवल एक एलिमेंट है 1, तो एक समुच्चय ये हो गया। तीसरा समुच्चय देखो और बन जाएगा, एक समुच्चय हम ऐसा ले लेते हैं जिसके जिसमें भी केवल एक अवयव हो 2, अब ये हो गया। अब हम दो दो का लेकर के बनाते हैं तब एक समुच्चय ये हो गया 1, 2। अब देखिए इसमें अब इसके 1, 2, 2, 1 नहीं लिख सकते, चूंकि 1, 2, 2, 1 एक ही बात है। तो हमने बताया था कि किसी समुच्चय में अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय नहीं बदल जाता। तो इस तरह से इसमें कुल कितने बने? 4 उप समुच्चय बने। अब इन्हीं उप समुच्चयों का जो संग्रह होगा, अगर हम इनको एक अवयव मान के समुच्चय बना लें, तो इसका जो संग्रह होगा, समुच्चय होगा, इसी को हम कहेंगे पावर सेट, अर्थात पीए, पीए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ए, ए का घात समुच्चय, समुच्चय ए की घात समुच्चय ये हो गया। अब इसमें कितने अवयव हो गए? 1, 2, 3, 4 अवयव हो गए। तो इसमें अब इसी तरह से किसी भी समुच्चय के जितने उप समुच्चय बन सकते हैं उनकी संख्या जो है वही क्या कहलाएगी? उनका जो संग्रह होगा वो पावर ऑफ सेट होगा, पावर सेट होगा। अब जैसे एक समुच्चय हम ले लेते हैं बी, बी के अवयव ले लेते हैं ए बी सी। अब इसमें 3 अवयव हैं। अब देखिए इसके कितने पावर इसके कितने उप समुच्चय बनते हैं? एक समुच्चय तो हमने बताया कि फाई सबका होता है। दूसरा अगर एक सिंगल सिंगल लेकर के बनाएंगे तो इसमें एक ए हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये 3, 4 उप समुच्चय ये हो गए। अब अगर हम दो दो का लेकर के बनाएंगे तो ए बी बन जाएगा एक, फिर बी सी बन जाएगा, बी सी और सी ए, सी ए या ए सी चाहे कह सकते हैं। ए बी बनेगा लेकिन बी ए नहीं, बी ए और ए बी दो नहीं बन सकते। या तो आप बी ए लिखिए या तो आप ए बी लिखिए, दो दो से इतना बन गया ए बी बी सी और सी ए। अब तीनों को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि दो समुच्चय तो फिक्स होते हैं, फाई सबका उप समुच्चय होता है और एक प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एबीसी का एक उप समुच्चय स्वयं एबीसी ही होगा। तो इस तरह से देखिए इसमें इतने उप समुच्चय बन गए। अब अगर इनका हम संग्रह कर लें, अगर इनका हम संग्रह कर लें तब हमारा जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ बी, तो पीबी से नोट करेंगे। तो पावर सेट को पी लिख करके इसके अंदर पीए लिख देते हैं, तो पीए का मतलब हो गया एक समुच्चय एक की पावर, ए का पावर समुच्चय। पी बी लिख देंगे समुच्चय बी का पावर समुच्चय। इसी तरह से चाहे जो भी लिख देंगे, जो भी समुच्चय रहेगा उसी का नाम लिख करके हम पी लगा देंगे तो उसकी पावर सेट हो जाएगी, उसकी पावर सेट हो जाएगी। अब जैसे पावर सेट में अवयवों की संख्या निकालना है तो बिना उप समुच्चय लिखे भी आप बता सकते हैं। यहां देखो हमने बताया था गणित में आप केवल देखिए डाइवर्जन देखिए, परिवर्तन क्या हो रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है। अब यहां 2 अवयव थे तो इसमें कितने बने? 1, 2, 3, 4। जब याने बराबर 2 था, याने बराबर 2 था तो एनपीए जो है एनपीए कितना बन गया? 4। एनपीए कितना बन गया? 4।
इसको बड़े ब्रैकेट में कर, एनपीए हो गया चार। और देखिए यहां एनबी बराबर कितना था, कितना है इसमें दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, एनबी बराबर है तीन, तब देखिए यहां कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एन बी बराबर थ्री थ्री है तो एन पी भी बराबर हो जाएगा, एन पी भी बराबर आया आठ। इसका मतलब हुआ अगर इसको हम फार्मूला के रूप में डेवलप करें तो ये चार मतलब दो की घात दो और इसका मतलब दो की घात तीन, यानी अब अगर हम कहें कि अगर किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में जैसे समुच्चय ए है, सेट ए में आयाओं की संख्या अर्थात एन ए बराबर अगर एक्स है या जो भी आप मान लें, एम मान लें, एक्स मान लें, चाहे जो मान लें, एन ए बराबर एम है तो पी एन ए एन पी एन पी पावर पावर सेट की के आयाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एन पी ए बराबर हो जाएगा 2 पावर m, कितना हो जाएगा n p a बराबर हो जाएगा 2 पावर m, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस तरह से ये घात समुच्चय के अवयवों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या पता है तो उससे बनने वाले घात समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर किसी समुच्चय में चार अवयव है तो जाहिर सी बात है उसके पावर सेट में जो अवयव होंगे 2 पावर 4 अर्थात 2 × 4 × 8 × 16, इसी तरह से हम 2 पावर m या 2 पावर m या 2 पावर x, जो भी आप किसी किताब में से 2 पावर x लिखा हो, 2 पावर m, वो अवयवों की संख्या पर आप क्या मानते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये रही आपकी पावर घात। अब इसकी डिफिनेशन हम अभी लिखा देते हैं। हाँ, तो घात समुच्चय की डिफिनेशन आप नोट कर लो, और एक फार्मूला है घात समुच्चय के अवयवों की संख्या ज्ञात करने का। उसके लिए आपको केवल अगर संख्या पूछ रहा है तो केवल इस सूत्र से आप निकाल लेंगे, तब आपको उप समुच्चय नहीं लिखने होंगे। अगर आपसे कहे कि हाँ उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को या घात समुच्चयों को लिखिए, तब आप उसको उसके सभी अवयवों को लिख देना। तो समुच्चय के, समुच्चय ए के हमने एक मान लिया या जूम किया है, आप ये मत समझना कि ए ही होगा बी का नहीं होगा, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप बी मान लें, सी मान लें, डी मान लें, एक्स वाई, जो भी आपकी मर्जी हो। समुच्चय है कि उन समुच्चयों के संग्रह को, संग्रह अर्थात समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम पी ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको दिया कि ए के अवयव थे, ए का अवयव जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ए के अवयव है 1 2, तो इसके जो पी ए बनेंगे वो क्या होंगे, तो पी ए में कौन कौन अवयव होंगे, जिनके सभी अवयवों को आप लिख देना। अगर पूछता है कि इसके सभी अवयवों को लिखिए, तब एक तो फाई आप बिना विचारे लिख देना, क्योंकि फाई सबका उपसमुच्चय होता है। फिर आप सिंगल सिंगल का बना लेना, उपसमुच्चय सब बन जाएंगे 1 2, और फिर डबल डबल का बना लेना 1 2, इस तरह से आपका ये इतने उपसमुच्चय बन गए। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि पावर ऑफ सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए आपका ये हो जाएगा। अब अगर खाली आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज नंबर ऑफ पावर सेट, व्हाट इज नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तब आप लिखना एनपीए इज इक्वल टू 2 पावर m का सूत्र लगाना। तो m बराबर यहां है कितना, 2 2, तो 2 की घात 2 4 लिखना, तब केवल यही बताना, केवल यही बताना, तब ये हो जाएगा 2 पावर 2 बराबर 4, तब केवल यही बताना, तब ये मत लिखना। अगर पूछे कि हाँ पावर सेट लिखिए, तब आप इसको लिख देना। ओके, इसका एग्जांपल हमने समझाई दिया, फार्मूला आप नोट कर लो। अब एक दूसरा बचता है इसमें, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समझ लो, परिभाषा हमने यहां लिख दिया है, इसको पार लीजिए। किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष संदर्भ में प्रासंगिक एक ऐसा समुच्चय जो विचारणी समुच्चय के जैसे अवयव वाले सभी समुच्चयों का अदिश समुच्चय, जिसे हमने सुपर सेट बताया था, अदिश समुच्चय हो, समष्टि समुच्चय कहलाता है। यानी जब समष्टि समुच्चय अदिश समुच्चय है, तो ऐसा समुच्चय हम एक लेंगे जिसका जो हम जिस संदर्भ में विचार कर रहे हैं, तो जितने भी समुच्चय हम लेंगे सब इसके उप समुच्चय हो जाएंगे, इसके यूनिवर्सल सेट के।
तो वही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब जैसे हम संख्याओं के संदर्भ में ले, जैसे हमने ले लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय लेंगे तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का जब हम समुच्चय लेंगे 1, 2, 3 एंड so on, तो ये तो अनंत हो गया। अब ये हो गया आपका एक, इसे हम यूनिवर्सल मान सकते हैं। अब हम इसके संदर्भ में, प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में जितने भी उप समुच्चय लेंगे सबका यूनिवर्सल ये n बन जाएगा। अब जैसे हमने एक समुच्चय ले लिया a, जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 है तो n का ये n का उप समुच्चय है। हमने दूसरा समुच्चय ले लिया b, b के अवयव हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 इतना ले लिया, तो बी का भी ये बी का बी भी उप समुच्चय है इस n का, बी भी उप समुच्चय है इस प्राकृतिक संख्या का। चुकी हमने तीन डॉट लिखा, इसका मतलब ये असंख्य है, ये नेचुरल नंबर अनंत अनंत संख्या है, तो नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, ये नेचुरल नंबर हो गया, तो जब हम संख्याओं के संदर्भ में लेंगे, धनात्मक संख्याओं के संदर्भ में लेंगे, तो जितने भी समुच्चय हम इसके बनाएंगे सब इस नेचुरल नंबर के उप समुच्चय होंगे, अर्थात हम नेचुरल नंबर को तब कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है यू। लेकिन ये फिक्स यू नहीं हुए, ये जरूरी नहीं है कि ये सदैव यूनिवर्सल ही रहे, कभी कभी ये उपसमुच्चय भी हो जाएगा। जैसे जब हम रियल नंबर के संदर्भ में चलेंगे या हम इंटीजर्स के संदर्भ में चलेंगे, जैसे हम प्राकृतिक संख्या जेड ले लेते हैं, सॉरी जेड नहीं, जैसे हमने वो पूर्णांक, पूर्णांकों को जेड से डिनोट करते हैं, तो हमने जेड ले लिया। अब जेड के संदर्भ में लेंगे तो जेड का तो ये यूनिवर्सल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जेड जो है वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड so on प्लस अनंत से माइनस अनंत तक है। अब ये यू खुद इसका उपसमुच्चय हो गया, यानी अब ये यू नहीं लिखेंगे इसे, अब ये यन हो गया। अब यन जो है इसका उपसमुच्चय हो गया, थोड़ी देर पहले जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में देखा था तब ये यू बन गया था। अब यहां पर जो है यन जो है जेड का उपसमुच्चय हो गया, यानी सबसेट ऑफ जेड, यानी सबसेट ऑफ जेड, तो यन जो है सबसेट है जेड का, यानी सबसेट ऑफ जेड, यन उपसमुच्चय है जेड का, और जेड इज सबसेट ऑफ, जेड इज सुपर सेट ऑफ यन, तो जेड जो है प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, आदि समुच्चय। तो अब जेड को हम यूनिवर्सल मान लेंगे, नेचुरल नंबर धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के संदर्भ में जो समुच्चय हम लेंगे उसका यूनिवर्सल जो है जेड बन जाएगा। अब यहां जेड आपका यू हो गया, अब इसको यूनिवर्सल हो गया। अब इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्सल वह समुच्चय होगा जो किसी विशेष संदर्भ में, जैसे अभी हम कहें हमारे पास तीन समुच्चय है, जैसे हम कहें कि एक है 1, 2, 3, 4 और एक समुच्चय है 3, 4, इसको समुच्चय ए मान लेते हैं, इसको समुच्चय बी मान लेते हैं 3, 4, 5, 6 और एक लेते हैं 1, 3, 4, 5, 9। अब हमारे पास तीन समुच्चय हो गए ए बी और सी। अब ये तीन समुच्चय हो गए, अब अगर हम इसका यूनिवर्सल बनाएं तो हमें इतने अवयव उस यूनिवर्सल में सेट कर लें कि जिसके तीनों उप समुच्चय हो जाए तो वह यूनिवर्सल वही मान लिया जाएगा। इसलिए मैं कहा यूनिवर्सल कोई फिक्स नहीं है, यूनिवर्सल प्रसंग के विशेष में आता है, विशेष प्रसंग में आता है, जिस प्रसंग में हम अध्ययन कर रहे हैं वो यूनिवर्सल बन जाता है। इसका यूनिवर्सल सेट हम ले लेंगे 1, 2, 3 एंड so on 10 तक की संख्या ले लेंगे तो भी हमारा ये यूनिवर्सल ही कहलाएगा। अब इसके संदर्भ में ये उप समुच्चय है, इसके उप समुच्चय ये है और ये इनका सुपर सेट है, तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, लेकिन वो केवल इनके संदर्भ में होगा। अगर आप 10 से बड़ी संख्या ले लेंगे किसी समुच्चय में तब उसका यूनिवर्सल ये नहीं होगा। तो अब समझ गए आप यूनिवर्सल। और देखो, अगर हम इसको अल्फाबेट के संदर्भ में लें, तो जैसे ए बी सी, या एक समुच्चय हम ले लें डी डी ई एफ, अब इसके संदर्भ में लें तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होंगे या तो हम पूरा ले लें तो यू बन जाएगा आपका ए बी सी एंड तो ऑन जेड तक भी यूनिवर्सल हो जाएगा, या हम केवल यफ तक ले ले तब भी यूनिवर्सल हो जाएगा, केवल यफ तक ले ले तब भी यूनिवर्सल हो जाएगा इन दोनों समुच्चयों के संदर्भ में। तो जब हम लेटर के संदर्भ में लेंगे तो लेटर का जो समूह होगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो प्रासंगिक होता है, किसी विशेष संदर्भ में यूनिवर्सल मान लिया जाता है। तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट, यही था। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
अब जैसे विश्व के समस्त मनुष्यों की संख्या ले लें, और अब उसके संदर्भ में भारत के मनुष्यों की संख्या, चीन के मनुष्यों की संख्या का सबसेट और सबका सबसेट बनाएं, तो समस्त विश्व के की जो जनसंख्या हो जाएगी मनुष्यों की, वो यूनिवर्सल हो जाएगी, तो वो सार्वत्रिक मान सकते हैं आप। तो ये दिए हुए विशेष संदर्भ में होता है। जैसे कक्षा 9 के विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, ये सभी सबसेट होंगे पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय का। तो पूरे स्कूल का जो विद्यार्थियों का समुच्चय होगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर आप किसी कक्षा विशेष के संदर्भ में ले रहे हैं, कक्षा 11th का ले रहे हैं, तो 11th में जो लड़कियों की संख्या है वो एक सेट हो गई, लड़कों की संख्या हो गई वो एक सेट हो गई। तो इसके संदर्भ में लेंगे तो कक्षा 11th का ही जो समुच्चय होगा वो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिवर्सल आप बना सकते हैं। यूनिवर्सल किसी संदर्भ विशेष में होता है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। अब आपका जो प्रश्नावली 1.3 है ये आ जाएगा, इसकी फोटो हम भेज रहे हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो भी लगा लेगा और जिसके पास बुक होगी वो लगा ले। तब इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे वेन आर एक का, जो सवाल नया आया उसको पूछ लेना फिर से, लेकिन ट्राई करना अपने मन से, न गाइड से पढ़ना न किसी से पूछना, आप कोशिश करो फिर हमसे, ये नहीं किसी से लगवा के मत उतारना, समझ लेना। समझना किसी से भी बुरा नहीं है, हम किसी से समझने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, किसी से लगा के उतरवा लेने के लिए मना कर रहे हैं।